बेटा तो आगे भया, कल जुग भी चले। हाँ चर बड़ता संसार भई हुआ न हो सी दे। संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है संसार, संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। जिसने भी कीर्तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है, जिसने भी कीर्तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है। माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बात। ओ बेटा शरवण पानी डोपी लाई, ओ बेटा, ओ बेटा शरवण पानी डोपी लाई, अरे पानी डोपी लाई, 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 पानी डो। ओ बेटा शरवण पानी डोपी लाई, मन में बेटा प्यासी लगी। कटाया कावड़ लीरी बना, आला लीला बांस कटाया कावड़ लीरी बना। मात पिता ने माय बिठाया तीरथ करवाने जाई, मन में बेटा प्यासे लगी। बेटा शरवण ओ बेटा शरवण पानी डोपी लाई, मन में बेटा प्यासी लगी। शरण कुमार ना माता पिता अंधा हा, और अपने अंधे माता पिता ने तीर्थ कराने वास्ते शरण कुमार एक कावड़ बनाई। कावड़ में दोनों पलड़ों में माता पिता ने बैठा और तीर्थ करा अपने कंधे पर उठा, तीर्थ कराने वास्ते निकल पड़ा। चलता चलता अयोध्या पहुंचा और अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम लियो। माँ बोली बेटा कंठ बहुत सूख रहा है, बेटा पानी पिला दे। और देखो शरण कुमार लोटो ले पानी की तलाश में निकल पड़े, लेकिन पानी नहीं मिले। क्या कहा, ना कोई है कुआ बावड़ी ना कोई समुद्र तड़ा, ना कोई है कुआ बावड़ी ना कोई
अब श्रवण ने मन में सोची कहाँ जड़ पाऊँ म्हारी माई। मन में बेटा प्यासी लगी बेटा श्रवण पानी डोपी लाई। मन में बेटा प्यासी लगी नहीं मिलो। बोले ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़ आए। अब तब श्रवण ने मन में धारी अब जल पाओ मारी माँ। श्रवण कुमार पक्षी उड़ता देखा, आगे जार देखे तो सरयू नदी चल रही। नदी की तरफ बढ़ा, मन में बड़ी प्रसन्नता है, मन में बड़ी खुशी है कि आज मारे माता पिता ने मैं सरयू रो जल पिलाऊं। जैसे पानी को लोटो नदी में डुबोयो, अयोध्या का राजा दशरथ बीवन में शिकार खेलने सरयू आया। एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो गया था कि कोई जंगली जानवर आवे तो शिकार करो। पानी के लोटे की जैसी आवाज हुई, राजा दशरथ तीर चला दी। बोले ले जा दी अब श्रवण चालो आयो सरवर रे पा। ले अब सदवन चालो आयो सदवद दे पा। जाय नीरज खोदियो रे दशरथ मारियो शक्ति बाणी। मन में बेटा प्यासी लगी बेटा सदवन पानी डो पिलाए। मन में बेटा प्यासी लगी राजा दशरथ तीर चला दियो और तीर श्रवण कुमार रे कलेजा में लग गयो। श्रवण कुमार धरती पर गिर गयो। एक चीख की आवाज हुई, पक्षी उड़ गया, जीव जंतु भाग गया। मनुष्य की आवाज सुनी तो राजा दशरथ को बहुत अफसोस हुआ कि शायद मेरे हाथ से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। भागता भागता राजा दशरथ जब जाके देखते हैं तो खुद को भांजो श्रवण कुमार मौत और जिंदगी रे बीच में झूल रहे हो। संभाल ली श्रवण कुमार मरतो मरतो अपने मामा से वचन ले लिए। बोले मामा मारा माता पिता अंधा है बे प्यासा है। हे मामा मैं तो ये दुनिया ने छोड़कर जा रही हूं पर मारे माता पिता ने जल पिला दीजो, ये वचन आप मुझे दे दो। इतनी बात कर श्रवण कुमार का प्राण पंखेरू उड़ गया। राजा दशरथ पानी को लोटो ले कावड़ कने पहुंचे। मां देखियो कि श्रवण आयो है, पूछ लियो कि बेटा श्रवण। राजा दशरथ कुछ भी नहीं बोलिया। फिर पूछ लियो बेटा श्रवण। राजा दशरथ फिर भी ना बोलिया। पूछ लियो तू श्रवण है या और कोई, बोल तो सही बेटा। राजा दशरथ बोले ना मैं श्रवण नहीं, मैं तो श्रवण को काल हूं। हे मां आपको बेटो अब दुनिया में नहीं रहे। मित्रों इतनी बात करते हुए बूढ़े माँ बाप ने अपने पुत्र वियोग में उसी समय अपने प्राणों को त्याग दिया। इस दुनिया में मातृ पितृ भक्ति में श्रवण कुमार का नाम अमर हो गया। अंत में कहा अरे ना श्रवण की बोली कही दे ना श्रवण की चाल।
ना ना श्रवण की बोली कही दे ना श्रवण की चाह मात पिता तो सुरग सिधारा दशरथ ने दीनों बटे शाप वन में बेटा प्यासी लगी ये वन में बेटा प्यासी लगी रे वन में बेटा प्यासी लगी अरे बीरा महारा रामदेव दे भाई ने सुगना भाई अपने भाई ने याद करे बोले भाई तू दुनिया के लिए भगवान है पर तेरी बहन के आंखों में आंसू है बोली लीनी ना सार संभाल अड़को लगन अड़गो लगन लिखायो रे जो शीड़ा थने खायो क्यों निकालो ना बीरा म्हारा रामदेव दे बहने एक करले बनिया अड़गो बैरो सासिरो दिले करता
कहीं जानू कदी हो सी कहीं जानू कदी हो सी कहीं जानू कदी हो ओ कई जानू कदी हो भी सिरे दीरा कई जानू कदी हो भी सिरे मारो गाबरूनी जामे धो बीरा मारा उदाम देव दे भई ने एक दिले अलगो बैरो अरे अलगो बैरो अलगो बैरो अरे अलगो बैरो अलगो बैरो साने माता मिलवा बोले माँ सुगना बाई और लाछा बाई बाबा रामदेव जी महाराज की दो बहनें थी पर बाबा रामदेव जी की सगी बहनें नहीं थी। बाबा रामदेव जी महाराज के काका का नाम था धनरूप सिंह जी और धनरूप सिंह जी ने शंकर भगवान की भक्ति करते करते जब समाधि ले ली तो अजमाल जी महाराज ने दोनों को बड़ा किया। इसलिए सुगना ए बेटी ने तुर जाना है दिन रे छोड़े असा होनी तुर जाना है दिन रे जी
भाई सुगना ने सुगना भाई री ओड़ूड़ी ने सुगना भाई री ओड़ूड़ी ने ओ तो कथ गावे पन्ना ला वीरा वीरा महारा रामदेव दे भाई ने एक दिले बनिया अलगो भैरो सासिरो दे भाई ने माता मिलवा रो जा